दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक एंट्री मतलब कि बैंक का स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, इसका फुल प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप ओपन कर लेना है। यदि आपने उस पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे जो वीडियो दिख रहा होगा ये वीडियो देख के वहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको एक एम पिन फिल करने का ऑप्शन आएगा जैसा। तो दोस्तों ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक एम पिन फिल करने का ऑप्शन आएगा, मतलब कि ऐप में रजिस्टर करते टाइम में आपने जो भी एम पिन बनाया होगा वही एम पिन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एम पिन फिल कर लेते हैं। एम पिन फिल करने के बाद देख सकते हैं हमारा ऐप जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऐप ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक आई वाला बटन दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे कि देख सकते हैं हमारे अकाउंट में जो भी बैलेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन बना हुआ है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्लिक करने से आप अपना स्टेटमेंट नहीं चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है, इसमें इसका पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली मिनी स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किया होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें और भी बहुत से फीचर्स है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन है इसमें जो हमें पैसा रिसीव हुआ है उसमें देख सकते हैं ग्रीन कलर का देखने को आपको मिल जाएगा, मतलब जो भी पैसा रिसीव हुआ है उसमें ग्रीन कलर है, और जो भी पैसा हमारे अकाउंट से कटा है जो भी पैसा डेबिट हुआ है उसमें देख सकते हैं हल्का रेड टाइप का आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे माइनस का जो साइन है मतलब माइनस का चिन्ह वो लगा है, और जो पैसा मेरे अकाउंट में आया है उसमें प्लस का चिन्ह देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पासबुक का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपली इस पासबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको 30 डेज, लास्ट 60 डेज, लास्ट 90 डेज और डेट रेंज ये सभी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या है, इसमें क्या है, यदि आप लास्ट 30 डेज पे क्लिक करते हैं तो आपने लास्ट 30 डेज में जो भी ट्रांजैक्शन किया होगा उसका स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप डेट टू रेंज पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने डेट का रेंज सेलेक्ट करना होगा, उसी से उसी बेच के डेट का आपको जो है ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ से लास्ट 30 डेज पे क्लिक करके और व्यू पासबुक पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लास्ट 30 डेज में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप फिर से 60 डेज का देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 30 डेज पे हम क्लिक किए थे, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आया था, तो फिर हमें 60 डेज का चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पेंसिल वाला बटन होगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं 60 डेज, 90 डेज या डेट टू रेंज यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्यू पासबुक का ऑप्शन है, इस पर हमें तो हमें यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ व्यू पासबुक वाले पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो भी ट्रांजैक्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आप इस ट्रांजैक्शन को लोड भी कर सकते हैं, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो आप कैसे स्टेटमेंट को डाउनलोड करके किसी को शेयर कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से हेल्प मिले तो इस वीडियो को एक लाइक करके ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।